रमेश, बिनी और किशोर को वीर सलमान खान के हाथों लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस का खिताब मिला। You're so good. There's so much an ease in you. Everything is so simple, so beautiful, yet lovely, yaar. Superb. गीता माँ की इकलौती बेटी है बिन्नी। जितनी आशाएं गीता माँ को उनसे हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने आप से लगा रखी हैं, जिसकी मिसाल इस हफ्ते भी देखने को मिली। लास्ट ईयर डीआईडी वन सीजन में जब मैं टॉप 18 में सेलेक्ट नहीं हो पाई तो बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इनफैक्ट मैं शॉक थी, लेकिन इस साल जब वो आई तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है जब कोई अपने ऊपर मेहनत करता है। और बस मैंने एक साल वही किया और आज उसके रिजल्ट से मैं यहाँ पर हूँ। अगर खुद के ऊपर कोई इतना काम और मेहनत करके आता है, यानी कि कोई तो चाह है, कोई तो जुनून है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड अस टू बिनी फर्स्ट। अब जब दो लड़कियां हमारी टीम में से एलिमिनेट हो चुकी हैं, टीना और श्रुति, और मैं अकेली रह गई हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काम की प्रेशर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे उतरना ही है डांस की कसौटी पर और अपने आप को प्रूव हर बार करना है। और वो जब भी कुछ कहती है कि मैं करूँगी, उसको वो करके दिखाती है, तो आई थिंक शी हैज इमेंस अमाउंट ऑफ विल पावर, जो शायद कभी कभी मैं अपने आप में भी लैकिंग समझती हूँ कि वो है नहीं। ये जो पूरा सफर रहा है ओरेपिया तक, बहुत सी चीजों को थ्रू मैं गई हूँ, अपनी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। कभी कभी पूरी बॉडी इतनी गंदी तरह जवाब दे जाती थी कि शायद अब नहीं हो रहा है, अब और नहीं खींचा जाएगा। तो मेरी एक ही आदत है, जब तक मेरी एक चीज परफेक्ट नहीं होती मैं सो भी नहीं सकती। अगर मुझे लगता है कि एक पूरे दिन में मेरी एक पर्टिकुलर स्टेप या एक स्टंट नहीं आया, तो मैं उस चीज को इतना जिद पकड़ लेती हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहा। और जिस लड़की को हैंड स्टैंड तक नहीं करने आता था, उसने मेरे लिए एक एरियल एक्ट किया जहाँ पे आर्म स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, स्टमक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत सख्त जरूरत है। जो मेरा इम्प्रूवमेंट ग्राफ है वो कहीं ना कहीं सुधरता गया, शायद उसको देखकर, और जब उन्होंने मेरी वो ओरेपिया परफॉर्मेंस के लिए मेरी मेहनत देखी, मेरा डिटर्मिनेशन देखा, उनका जो भरोसा है वो मुझ पर बढ़ता गया। कुछ बच्चे रह जाते हैं दिलो दिमाग पे, एंड शी इज वन ऑफ दोज कि आपसे मिलेगी तो आपको हमेशा प्यार हो जाएगा ऐसे बच्चों से। तो शी इज वन ऑफ दोज यू कांट स्टॉप लविंग और यू कांट मिस लविंग। So yeah, I am close to Bini and I like that closeness that I have with her. She's just amazing. Mera veer hai na wo. To mera veera kuch bhi kar sakta hai.